नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य के अथाह सागर से एक बेशकीमती रत्न आप सबके सामने प्रस्तुत करने के मेरे इस प्रयास में आज हम सब की फेवरेट हरदिल अजीज गौरव पंत शिवानी जी की लिखी बेहद भावपूर्ण कहानी लेकर उपस्थित हूँ। कहानी का नाम है लाल हवेली। आइए सुनते हैं। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल दी। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कंबख्त कितनी देर देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई थी वह पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूर दिया था उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था? स्टेशन आ ही गया। ताहिरा ने काला रेशमी बुरका खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तर बंद, एयरबैग, चांदी की सुराही उतरवा कर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभाल कर अंदाज से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो, तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते हाफते हाथ में काली टोपी पहने एक नाते से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा दिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था? वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका? चलो बेटी, मामू बोले, बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगा लगा कर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भी भूल गई। या अल्लाह, यह क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है, पर बहू का मुंह भी तो देख लीजिए। देखिए ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुरका उलट दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नजमा देखो, सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी।
बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। 3 दिन रहकर वह फिर पाकिस्तान चली जाएगी, पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचा आई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोदी में ही खींच लिया, बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बन जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुरका दूर फेंक दिया, बंद खिड़की को खोला तो कलेजा थक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर वह तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वह मुंह ढांपकर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को? वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है, वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता, भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती थी, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था। उस रहमान अली से वह क्या कहती? पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पैसे, उसी में से एक थी ताहिरा। तब भी वह 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा। सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटे से चिचोड़ने को थी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उन पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर रहमान की जवान बीवी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया था। वह जान बचाकर भाग गया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से सारे तारे तोड़ लाता, वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर बह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमरीकी नायलॉन और डेक्रॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया, आवाज में खुद ब खुद एक अमरीकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी हीरे सी चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथी दांत जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटे ही बदलती। हर मार्च की जाड़े से दामन छुड़ाती, हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुनरी उसे अभी भी याद है, अम्मा ने हल्का सा गोटा टाक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ ही में बुझ गई थी।
गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका दिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधु से छेप छेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। स्टेशन पर छोड़ने आए थे, इसी स्टेशन पर, यही कनेर का पेड़ था, यही जंगला। मामा जी के साथ गठरी सी बनी सुधा को घूंघट उठाने का भी अवकाश नहीं मिला। गाड़ी चली तो साहस कर उसने घूंघट जरा सा खिसका कर अंतिम बार उन्हें देखा। वही अमृत की अंतिम घूंट थी। सुधा तो मर गई थी, अब वह ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी उसके श्वसुर वकील साहब की। वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल। तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी रातें बीती थी। ना जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी, क्या पता बच्चों से खेल रहे हो। आंखें फिर बरसने लगी और एक अनजाने मोह से वह जूझ उठी। ताहिरा, अरे कहाँ हो, रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी। रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। अरे बीवी, क्या बात हो गई, सिर तो नहीं दुख रहा है, चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है कि यह सब काम मत करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूँ। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लिटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मी ने आकर कहा, नजर लग गई है और क्या। नन्ही नजमा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया, आंवले का मुरब्बा चटा कर देखो। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वह फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन से प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था, फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा, सुधा कहाँ है तू, उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया, तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूद कर। क्या पाकिस्तान के सब कुएं सूख गए थे। तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज होली दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भूख कर निकल जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती। आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दाब लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखते ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाइयां बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गरारा कमीज, अबरखी चमकते दुपट्टे, हिना और मोतिया की गमक से पूरा घर मह मह कर रहा था।
पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों से चमक रहे थे। बारात में घर की सब औरतें भी जाएंगी। एक बस में रेशमी चादर तानकर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा सा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। बड़ी बूढ़ियां पानदान समेटकर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुरका ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक सांझ को वह भी दुल्हन बनकर इसी शहर में आई थी। बस में सिमटी सिमटाई लाल चूनर से ढकी, पर आज था स्याह बुरका जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबो कर रख दी थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहाँ बुलावा भेजा या नहीं, बड़ी अम्मी बोली और ताहिरा के दिल पर फिर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामूजान बोले, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी है, बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा, फिर छाली की चुटकी निकाली और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं पर आस ना औलाद। सुना एक बीवी दंगे में मर गई सो फिर घर ही नहीं बसाया। बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ, चांद सी दुल्हन आई, शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहां तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई। पर ताहिरा नहीं गई, उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अकेले अंधेरे कमरे में वह चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी सांझ। जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वह आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका था। वही बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कौन कहेगा वह एक जवान बेटी की माँ है। कहीं पर भी उसके पुष्ट यौवन ने समय से मुंह की नहीं खाई थी। कल वह सुबह 4 बजे चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सर्वस्व त्याग कर वैरागी का वेश धर लिया है, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान नटखट बालक की भांति उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुरका ओढ़ वह बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई, पर हवेली के पास आकर वह पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़े की सीढ़ियां उसे याद थीं, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया, कलेजा फट फट कर मुंह को आ गया। पर अब वह ताहिरा नहीं थी, वह 16 वर्ष पूर्व की चंचल बालिका नववधू सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर तरुण पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई, सांस रोककर आंखें मूंद वह मनाने लगी, हे बिल्केश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में यह हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी, एक बार उन्हें दिखा दो पर वे मुझे न देखे। बहुत दिनों बाद भक्त ने भगवान का स्मरण किया था, कैसे ना सुनते। आंसुओं से बंधी आंखों ने देवता को देख लिया, वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का एक बर्रा पायजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिनी सुधा की तस्वीर थी जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भरकर देख पगली और भाग जा, भाग ताहिरा भाग, उसके कानों में जैसे स्वयं भोलानाथ गरजे।
सुधा फिर डूब गई, ताहिरा जगी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे, अंतिम बार आंखों ही आंखों में देवता की चरण धूली लेकर वह लौटी और बिल्केश्वर महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। ना जाने कितनी मनौतियां मांगी थी इसी देहरी पर, सिर पटक कर वह लौट गई। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनौती मांगी, हे भोलानाथ उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी ना गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाँफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नब्ज पकड़ ली, देखूं बुखार तो नहीं है, अरे अंगूठी कहाँ गई? वह अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन की यादगार में पहनाई थी, ना जाने कहाँ गिर गई, थके स्वर में ताहिरा ने कहा। कोई बात नहीं, रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूमकर कहा, ये उंगलियां आबाद रहे, इंशाअल्लाह अब के तहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की के बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई थी। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी। लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब चुकी थी। दोस्तों, समय और परिस्थिति के अनुसार इंसान ऊपरी आवरण, जीवन जीने के रंग ढंग चाहे कितना भी बदल ले, मगर पुराने संस्कारों से भरा पूरा उसका मन उसे खींचकर बार बार वहीं लेकर आ जाता है जहां उसके संस्कारों की नींव पड़ी होती है। अपने भाग्य में लिखी इतनी विषमताओं के साथ जैसे तैसे समझौता करके अपनी सुखी गृहस्थी में जीने वाली ताहिरा क्या फिर कभी लाल हवेली और उसमें बसे अपने देवता को अपने मनस से एक क्षण के लिए भी दूर कर पाएगी? इसी बेहद खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। अपनों के साथ और प्यार को ऐसे संजो कर रखे जैसे कि ये गया वक्त एक बार हाथ से फिसला तो फिर ना जाने कब वापस मिले। पसंद आए तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी से संबंधित प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और प्रेममय रहें। नमस्कार।